मणिपुर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने जातीय हिंसा प्रभावित राज्य में सभी स्रोतों से हथियारों की बरामदगी के मुद्दे पर एक स्थिति रिपोर्ट दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक दत्तात्रेय पटसलगीकर को स्थिति पर नजर रखने के लिए समय दिया है और जिन्हें जातीय हिंसा में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ किए गए अपराधों के 11 मामलों की सीबीआई जांच की निगरानी के लिए शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त किया गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि इस मुद्दे पर रिपोर्ट दायर की गई है और ये केवल न्यायाधीशों के लिए है। उन्होंने मामले में एक और संक्षिप्त हलफनामा के बारे में पीठ को सूचित किया जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। मेहता ने पीठ को बताया कि हलफनामे में कहा गया है कि यहाँ जिन भी मुद्दों पर बहस हो रही है उन्हें पहले ही समिति के संज्ञान में लाया जा चुका है और पैनल उन पर विचार कर रहा है। शीर्ष अदालत ने पहले राज्य में जातीय हिंसा के पीड़ितों की राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त गीता मित्तल की अध्यक्षता में एक न्यायाधीश समिति नियुक्त की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने पीठ को बताया कि मणिपुर में मई में सामूहिक बलात्कार और हत्या की शिकार दो महिलाओं के शव अभी तक उनके परिवारों को नहीं दिए गए हैं। मेहता ने कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त समिति पहले ही इसका संज्ञान ले चुकी है और अधिकारियों को निर्देश जारी कर चुकी है। पीठ ने मामले की सुनवाई 25 सितंबर को तय की है। शीर्ष अदालत ने 6 सितंबर को मणिपुर सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जातीय हिंसा प्रभावित राज्य में सभी स्रोतों से हथियारों की बरामदगी पर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। अदालत का निर्देश तब आया जब पीठ के समक्ष ये प्रस्तुत किया गया कि अवैध हथियारों के अलावा राज्य में पुलिस स्टेशन और सेना डिपो से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद चोरी हो गए थे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर शाही ईदगाह परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग को लेकर दायर अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इस अर्जी में ईदगाह परिसर का काशी के ज्ञानवापी परिसर जैसा ही साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। पीठ ने कहा कि इससे संबंधित सभी याचिका हाईकोर्ट में लंबित है, इसीलिए हाईकोर्ट ही इस पर पहले विचार करे तो उचित होगा। कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इससे पहले जुलाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह का साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में ट्रस्ट ने 1968 में हुए समझौते की वैधता के खिलाफ तर्क देते हुए इसे दिखावा और धोखाधड़ी बताया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा मतलब या ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले के सुनवाई योग्य होने के मुद्दे यानी सीपीसी ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत लंबित है, लिहाजा जब तक उस पर फैसला होने के बाद ही साइंटिफिक सर्वेक्षण का मुद्दा सामने आएगा। चूंकि हाईकोर्ट अभी बुनियादी मुद्दा सुन रहा है, लिहाजा अभी साइंटिफिक सर्वे पर सुनवाई का कोई तुक नहीं है। मथुरा का ये विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। दरअसल श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है, जबकि 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया ढांचा बताता है और इस जमीन का भी दावा किया गया है। हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और ये जमीन भी कृष्ण जन्म स्थान को देने की मांग की गई है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा निर्माता संघ द्वारा गेंद पटाखों में बेहतर फॉर्मुलेशन के साथ बेरियम को शामिल करने की मांग करते हुए दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पटाखों में बेरियम आधारित केमिकलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले उसके द्वारा पारित पहले के आदेश लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम का उपयोग करके पटाखों के निर्माण और उपयोग की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली त्योहार से पहले दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। जस्टिस ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एस सुंदरेश की पीठ ने कहा
कि कोर्ट ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पारंपरिक पटाखे जलाने को लेकर अपने 2018 के प्रतिबंध और निर्देशों को दोहराया है। पटाखों की लड़ियों और बेरियम युक्त पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति दिए जाने की मांग करने वाली दो याचिकाएं खारिज की गईं। 2018 के निर्देशों में हस्तक्षेप नहीं किया गया, संबंधित प्राधिकारियों को निर्देशों का पालन करना होगा। पिछले हफ्ते शीर्ष अदालत ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी से कहा था कि वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लगाए गए पटाखा प्रतिबंध में हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि दिवाली 2021 से पहले पटाखों में प्रतिबंधित केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है। कई निर्देश पारित किए थे। पीठ ने ये भी स्पष्ट किया था कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है और केवल उन पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था जिनमें बेरियम साल्ट शामिल है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के बाद ग्रीन पटाखों की अनुमति है। कोर्ट ने 14 सितंबर को दिल्ली पुलिस को किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी न करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए बेरियम युक्त पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा था कि जब दिल्ली सरकार ने सभी पटाखों को प्रतिबंधित कर दिया है तो उनके हरित होने या नहीं होने के आधार पर उनमें कोई भेद नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने दिल्ली NCR में 2018 में पारंपरिक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था और केवल हरित पटाखे जलाने की अनुमति दी थी। जस्टिस सुंदरेश ने इस संदर्भ में टिप्पणी की थी कि पहले इस्तेमाल किए जाने वाले बेरियम का उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन न्यायालय के लिए विचारणीय प्रश्न ये होगा कि क्या नए फॉर्मुलेशन के साथ इसकी अनुमति दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने EVM के सॉफ्टवेयर के ऑडिट की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई तथ्य या सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे पता चले कि चुनाव आयोग ने संविधान का उल्लंघन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु तमिल लर्निंग एक्ट 2006 अधिनियम के संबंध में कुछ प्रासंगिक टिप्पणियां की हैं और इस एक्ट ने 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में तमिल पेपर को अनिवार्य बना दिया है। इस अधिनियम के अनुसार जबकि तमिल को पाठ्यक्रम में एक अनिवार्य विषय के रूप में अनिवार्य किया गया है, अल्पसंख्यक भाषा विज्ञान को एक वैकल्पिक विषय के रूप में माना गया और जिसके लिए न्यूनतम अंक प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं रखी गई थी। जस्टिस SK कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष मुख्य मुद्दा यह था कि क्या संख्यक भाषा विज्ञान के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित किए जा सकते हैं जो तमिल और अंग्रेजी भाषा सहित अन्य विषयों के लिए पहले से ही एक आवश्यकता है। न्यायालय ने माना कि अंग्रेजी और तमिल में दक्षता आवश्यक है, हालांकि अल्पसंख्यक भाषाई संस्थानों और अल्पसंख्यक भाषाई अनुयायियों के हितों की रक्षा के लिए हमें उनकी मातृभाषा में भाषा में भी समान दक्षता की आवश्यकता है। भले ही एक वैकल्पिक विषय हो और इस प्रकार अन्य विषयों के लिए दिए गए न्यूनतम अंक मातृभाषा के लिए भी प्रदान किए जाएंगे और मार्कशीट में दर्शाए जाएंगे। ये भी देखा गया कि भारत भाषाओं सहित अनेक विविधताओं वाला एक विशाल देश है। मातृभाषा के सम्मान में भावनाएं शामिल हैं। जिन लोगों की मातृभाषा राज्य की भाषा से भिन्न है वे भी उस राज्य में रहते हैं और अपनी संस्कृति और भाषा को बनाए रखना चाहते हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षा का माध्यम भी मातृभाषा में है, इसीलिए बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य से उस भाषा में दक्षता आवश्यक है। पीठ मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसने 18 सितंबर 2014 के उस सरकारी आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था जिसमें राज्य के सभी स्कूलों को तमिलनाडु तमिल लर्निंग एक्ट 2006 के दायरे में लाया गया था जिसने 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में तमिल पेपर अनिवार्य किया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD नेता लालू प्रसाद यादव और रेलवे के अधिकारियों समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया है। लालू प्रसाद यादव पर रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे भर्ती में घोटाले का आरोप है और इस मामले में कोर्ट ने समन जारी किया है। इस मामले में लालू के बेटे तेजस्वी यादव की 21 सितंबर को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई टल गई और अब ये सुनवाई आज यानी कि 22 सितंबर को होगी
जिसमें ये तय होगा कि चार्जशीट स्वीकार करने लायक है या नहीं। इससे पहले इस मामले की सुनवाई 8 अगस्त को होनी थी जो टाल दी गई थी। इसके बाद सुनवाई को बढ़ाकर 12 सितंबर तक किया गया जिसको कोर्ट 21 सितंबर तक टाल दिया। साल 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार के रेल मंत्री थे। ऐसा माना जाता है कि लालू के रेल मंत्री होने के दौरान नौकरी लगवाने के बदले आवेदकों से जमीन और प्लॉट लिए गए। सीबीआई ने इस मामले में जांच के बाद लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी मीसा भारती के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोप है कि जो जमीनें ली गई वो राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम पर भी ली गई। इधर सुप्रीम कोर्ट सनातन धर्म पर तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर की मांग के मुद्दे पर दायर याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। याचिका में सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन पर चिंता जताई गई है जिस कार्यक्रम में उदयनिधि की कथित टिप्पणियां की गई थी और जिसके बाद राजनीतिक विवाद पैदा हो गया। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने शुक्रवार को चेन्नई के एक वकील बी जगन्नाथ की याचिका पर सुनवाई की जिन्होंने याचिका में उदयनिधि और अन्य नेताओं पर सनातन पर आगे टिप्पणी करने से रोकने की मांग की है। साथ ही याचिका से मांग की गई है कि तमिलनाडु में संगम संगठन द्वारा आयोजित 2 सितंबर की कॉन्फ्रेंस को असंवैधानिक घोषित किया जाए। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड गोपालन बालाजी के माध्यम से दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि सम्मेलन में हिंदू धर्म को निशाना बनाना और आक्रामक और अपमानजनक भाषा का उपयोग करके नफरत का प्रचार करना सोचा समझा एजेंडा था। शुरुआत में ही जस्टिस बोस ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दामा शेषाद्री नायडू को इस प्रार्थना के साथ हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। भले ही पीठ ने शुरू में याचिका पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की लेकिन अंततः उसने नोटिस जारी करने की सीनियर एडवोकेट को अपील स्वीकार कर ली। हालांकि अदालत ने इस स्तर पर इस मामले को हेट स्पीच संबंधी याचिकाओं के समूह के साथ टैग करने से इनकार कर दिया। जस्टिस बोस ने बातकारियों के सीधे सुप्रीम कोर्ट में आने पर भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जा सकते, आप हमें पुलिस स्टेशन में बदल रहे हैं। इधर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपए के स्किल डेवलपमेंट घोटाले के मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा दायर एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि नायडू पर मुकदमा चलाने के लिए किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सार्वजनिक धन का उपयोग सत्ता के रंग के तहत लेकिन वास्तव में अपने लाभ के लिए उनके आधिकारिक कार्यों के निर्वहन में किया गया कार्य नहीं माना जा सकता। नायडू ने दावा किया था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी अभियोजन पक्ष को भ्रष्टाचार निवारण की धारा 17A के तहत मिली थी। ये भी प्रस्तुत किया गया कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि विचाराधीन प्रोजेक्ट चालू था और ये नहीं कहा जा सकता था कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया। याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, दस्तावेजों के आधार पर पैसे के भुगतान की मंजूरी देने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा लिया गया निर्णय या की गई सिफारिश और राशि का दुरुपयोग करने को उनके आधिकारिक कर्तव्यों या कार्यों के निर्वहन में उनके द्वारा किया गया कार्य नहीं माना जा सकता। इसीलिए कथित अपराधों की जाँच के लिए सक्षम प्राधिकारी से कोई पूर्व अनुमोदन आवश्यक नहीं था। राज्य ने अदालत से अनुरोध किया था कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद 10 दिनों तक जांच में बाधा न डाली जाए। कोर्ट ने सहमति जताते हुए कहा कि इस मामले में आरोपी नायडू को प्रारंभिक जांच की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है और ये सवाल कि ऐसी जांच की आवश्यकता है या नहीं ये प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इसमें कहा गया है कि गंभीर आर्थिक अपराधों का प्रतिनिधित्व करने वाले मामलों में दृष्टिकोण अलग होना चाहिए, खासकर जब जाँच शुरुआती चरण में हो। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने एक अपील पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के उस फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया जिसके तहत भरण पोषण राशि ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए 5,000 रुपए को घटाकर 1,000 प्रतिमाह किया गया था। न्यायालय ने आगे कहा कि उसे राशि को इतनी कम सीमा तक कम करने का कोई औचित्य नहीं दिखता और इसी संदर्भ में हम भरण पोषण राशि के तय करने के कारक की जानकारी इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से लेंगे। देखिए, मैं
मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स में अक्सर सवाल ये उठता है कि कोर्ट द्वारा कितना मेंटेनेंस प्रदान किया जा सकता है। रजनेश वर्सेस नेहा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मेंटेनेंस की अमाउंट तय करने के लिए कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। हालांकि मेंटेनेंस की अमाउंट डिसाइड करते समय कुछ फैक्टर्स पर विचार किया जाना चाहिए, जैसे कि द स्टेटस ऑफ द पार्टीज, क्या पत्नी पढ़ी लिखी और प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, क्या पत्नी के पास आय का कोई इंडिपेंडेंट सोर्स है, क्या वह इनकम सफिशिएंट है पत्नी को उस स्थिति और जीवन शैली के अनुसार रहने में जिसकी वह आदि थी जब वह अपने पति के साथ रहती थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस फैसले पर हैरानी जताई जिसमें मेंटेनेंस की राशि 5,000 से घटाकर 1,000 कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे 5,000 कर दिया और माना कि इतनी छोटी राशि एक महिला के मेंटेनेंस के लिए सफिशिएंट नहीं है। चलिए कोर्ट राउंडअप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट राउंडअप।